بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق الانس والجان الصلاه والسلام على النبي العدنان وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الحشر والنشور والميزان اما بعد

आज हमारी गुफ्तु का महवर होगा वो कौन से अमाल हैं जिनसे इंसान अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है मालिकुल मुल्क ने इंसान को फितरत इस्लाम पे पैदा किया है और एक मुकम्मल और फितरत सलीमा भी पैदा किया है रसूल अलैहि वाली वसल्लम ने फ़रमाया जो लोग अपनी फ़ितरत को छोड़ देते हैं और गैर-फितरती रवैये और तसरात को पसंद करते हैं ऐसे लोग अल्लाह की रहमत से दूर हो जाते हैं सल्लल्लाहु रसोल्ला वसल्लम ने फ़रमाया अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस रिवायत के रावी हैं लनशबिहन इब من الرجال بالنساء ऐसी औरतें जिनको अल्लाह औरत बनाया है वो मर्दों की मुशाबहत करती हैं और मर्द बनना चाहती हैं और वो मर्द जो औरतों की मुशाबहत करते हैं और औरतें बनना चाहते हैं ऐसे मर्दों और औरतों पे अल्लाह की लानत है बल्कि रसूल बयान कर दिया फरमायाजिला ऐसे मर्द पे लानत है ऐसे शख्स पे अल्लाह की लानत है जो औरतों का लिबास पहनता है वलमर थेल बस तर्रजुल और ऐसी औरत भी अल्लाह की रहमत से धुतकारी हुई है ऐसी औरत पे फटकार है ऐसी औरत अल्लाह की रहमत से दूर है वो अल्लाह की लानत के मुस्तक़ है जो मर्दों का लिबास पहनती है रसोल्ला सल्ला वसल्लम ने ऐसे लोगों को जो गैर गैरफितरती रवैयों को पसंद करते हैं करार दिया फरमाया, अल्लाहुल फरमायान सीन मिन्रिजल जो मर्दों में से हिजड़े बनना पसंद करते हैं अल्लाह की उन पर लानत है वल मिन तमिनसा और वह औरतें जो मर्द बनना चाहती हैं मर्द और औरत जो हिजड़ा बनना पसंद करते हैं ऐसे लोगों पे लानत है इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अखरिजो हम मोती कम तुम अपने घरों से इनको निकाल दो लेकिन सो इतफाक़ है आज मुसलमान हर खुशी के मौके पे उन लोगों को बाकायदा मदरू करता है ये इस बात की दलील है कि हम ईमानी तौर पे कमज़ोर हो चुके हैं अल्लाह मालिकुल मुल्क हम सबको ईमानी कुत नसीब फरमाए नाजरीन कराम रसूल वालैहि वसल्लम ने उम्मत की रूहानियत को बरकरार रखने के लिए और औरतों की असमत और हिफाजत के लिए भी कुछ पैगाम दिए हैं फरमाया سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العنوهن فإنهن ملعونات إِكْ وقت آئے گا أسيارتي هونجي کے اندر ایسی باستو بانتي هونجي جو لباس تو आरियतन लेकिन फिर भी उरिया नजर आएंगी अला रूसहिन्न के असनिमत बुख्त उनके सरों पे जुड़े होंगे जिस तरह बुख्ती ऊंट की कोहान होती है इलानुहुन्न फइन्नहुन्न मलऊनात इन पे लानत भेजो ये मलऊन औरतों की निशानी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमा दिया صنفان من أهل النار دو قسم جهنميه لم أرهما بعد لكن من ينقب ان دونوں میں سے ایک قسم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائله لا يدخلن الجنه ولا يَجِدْنَ ریحَهَا وإن لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ऐसी औरतें जो लिबास तो पहनती हैं लेकिन फिर भी अरिया नजर आती हैं लोग उनकी तरफ माइल होते हैं और वो लोगों की तरफ माइल होती हैं और उनके सरों पे जुड़े हैं जैसे बुख्ती ऊँट की कोहान माइल हुई होती है लयत खुल जन्न ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी जाएँगी वरी हा और ना ही जन्नत की खुशबू ही पाएंगी व इन नरियु जद नसी कज़ा व कज़ा और जन्नत की खुशबू तो बड़ी दूर दूर से ही मोमिन को नसीब हो जाएगी इन दो हदीसों की रोशनी में हमें यह बात समझ में आई ये सही मुस्लिम की रिवायत और रसोल्ला सल्ला वसल्लम के पहले फ़रमान की रोशनी में जो औरतें बेपर्द हैं और हिजाब को पसंद नहीं करती और फाशी और यानी को पसंद करती हैं ऐसी औरतें मलून हैं वो जन्नत में नहीं जाएंगी और ना ही जन्नत की खुशबू ही पाएंगी रसोल्ला सल्ला वसम ने उम्मत को शिरक़ से और ख़ुराफात से बचाने के लिए भी कुछ पैगाम दिए जिनमें से एक पैगाम ये भी है फरमाया लन अल्लाह जवारबूर ऐसी औरतों पर लानत है जो कसरत से कब्रों पर मकबरों पर जाती हैं, औरत फितरतन कमज़ोर है उसका बार बार जाना कब्रस्तान में और मकबिर में दुरुस्त नहीं इसलिए रसूल सल्हु वसम ने मर्दों को तो इजाज़त दी फरमायानी क़द नहीं तो तुम अनज़िया तिलकबोर फ़ोरो है मैंने तुम्हें इब्तदा में क़बरों की जियारत से मना किया लेकिन अब तुम जा सकते हो किसी भाई को दफनानाने के लिए फ़ैन है तु जकिर मिल तुम दफनाने जाओगे कब्रस्तान को देखोगे तुम्हें अपनी आखिरत की याद आएगी और फरमाया तुम कब्रस्तान में जाओगे तुम्हारी ज़िंदगी से दुनिया से बेरगती पैदा होगी वना तुलजरा लेकिन गलत बात न करना सल्लल्लाहु अलैहि रसोल्ला वसम ने मुसलमानों को حلال توشكى کی رغبت دی كل جسد نبت من سحت فالنار اولى به وہ جسم جس کی نما حرام سے ہوئی ہو اس کے لئے آکی بہتر ہے اور لعن الله آكل الربا وموكله सूत खिलाने वाले पर भी लानत है सूत खाने वाले पर भी लानत है और सूत खिलाने वाले पर भी लानत है वह शह ही दहू और उस पर गवाह बनने वाले पर भी लानत है वह कहती बहू और उसकी किताबत करने वाले पर भी लानत है ये चारों के चारों इस गुना में बराबर है मत इस्लामिया को सूत से महफूज फरमाए बल्कि रसूल सल्हसम ने तो फरमाया था लोगो नजुल सूत के बहत्तर गुना है सबसे कम सूत का गुना इतना है जितना कोई अपनी वालिदा से जिना करता है नस अल्लाह सवलियाल्लाबहना व तआला, हम सबको सूद जैसी लानत से महफूज़ फरमाए रसूल सला वसम ने मुसलमानों को हलाल तोशे की रगबत दिलाई इसलिए फ़रमाया राशी वलम्ती फिलहुम फैसलों के अंदर फ़ैसले ख़रीदने के लिए रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों ही मलून है अल्लाह की रहमत से दूर हैं दुतकारे हुए हैं उन पे अल्लाह की फटकार है कि वो इस तरह लोगों के माल खाते हैं अल्लाह मुल्क ने इस बात से मना किया है वुल अमवालीन कुम बिलबातिल अपने मालों को बातिल तरीक़े से न खाओीन क्लू नमवाल न से बिलबातिल वो लोग जो लोगों के माल बा तरीक़े से खाते हैं उनके लिए दर्दनाक एज़ाब है अल्लाह मालिकमुल्क से दुआ है अल्लाह हम सबको हलाल तोशे से नवाजे और हराम के हर लुमे से महफूज फरमाए नाजरीन किराम, अभी चंद लम्हात का वक्फा होगा हम वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे नाजरीन किराम वक्फ़े से पहले हम ये बात कर रहे थे कि अल्लाह मालिकुल मुल्क ने उन लोगों पर लानत की है जो सूत खाने वाले हैं खिलाने वाले हैं और सूत पर गवाह बनने वाले हैं और उसकी किताबत करने वाले हैं इसी तरह फ़ैसलों को ख़रीदने के लिए रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों ही मलयून है رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے أمتك فطرت قريب رکھنے کے, کے ليه لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات المتنمصات المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ऐसी औरतों पर लानत है जो वशम करवाना जो वशम करवाने वाली है और करने वाली है ऐसी औरतें जो अपने चेहरों पर निशानात लगाती हैं ऐसी औरतें जो अपने पलकों से ऊपर के बालों को साफ करती हैं और ऐसी औरतें जो दांतों में फासला करवाकर कर हुसन को पैदा करना चाहती हैं और ऐसी औरतें जो अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली करना चाहती हैं ऐसी औरतें मलून हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसम ने इस बात से मना किया अल्लाह ताला ने जो चीज़ पैदा की है उसमें अल्लाह ताला ने तसन रखा है उसमें अल्लाह ताला ने हमत रखी है ये कैसे हो सकता है कि मालिकमुल्क इन बालों को बग़ैर हमत से उगा दे औरत और अपनी मनमान डिज़ाइन करें और इनको साफ कर दे या इसमें तगैर लाए फरमाया ऐसी औरतें मलगून हैं बल्कि दूसरी रिवायत में आता है सल्लल्लाहु रसूल वसल्लम ने फ़रमाया न जो नकली बाल इस्तेमाल करती हैं ऐसी औरतों पे लानत है रसोल्ला सल्ला वम के पास एक औरत आई कहती यार रसूल्ला सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ क्या मैं उसके सर पे नकली बालों का इजाफा कर सकती हूँ खाला मौसूलत बिलाशुबा ऐसे नकली बालों का इजाफा करने वालियों पे अल्लाह की लानत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये बात भी समझाई कि वो हलाल तोशे को हासिल करें चोरी और इस तरह के मज़मूम अफ़ाल से गुरेज करें फरमाया लेन अल्लाह सरक़ यसर उबाह फैतुख तद वसर हबल फ़ैद हो ऐसे चोर पे अल्लाह की लानत है जो लोहे की ढाल चोरी करता है और उसका हाथ काट दिया जाता है और ऐसे चोर पे लानत है जो आहनी तारों को जिसके साथ कश्तियों को बांधा जाता है ऐसी लोहे की रस्सियों को चोरी करता है और उसका हाथ काटा जाता है एक शख्स जब रुब दिनार की चोरी करता है तो उसका हाथ काट दिया जाता है वह सारी वस

जो पहले तो अंडे को चोरी करता है फिर उसकी आदत बन जाती है और इतनी बड़ी चोरी करता है कि जिस पे उसका हाथ कट जाता है फतुक दो और ऐसे चोर पे लानत है जो पहले रस्सी चुराता है फिर चुराते चुराते आदत बन गई फिर ऐसी चीज़ उसने चुराई कि उसका हाथ कट गया बुनियाद अंडे से और बुनियाद रस्सी से बनी और आखिर अपने हाथों की नेमतों से महरूम हो गया अल्लाह अल्लाकुल मुल्ल उम्मत के हर फर्द को चोरी से महफूज फरमाए रसूल वसल्लम ने उम्मत को तो खैर खाही का दर्श दिया उम्मत के अंदर एक दूसरे के लिए हमदर्दी खैर खाही मोहब्बत उल्फत मवद्दत को पैदा करने के पैगाम दिए और हर उस पहलू से उम्मत को दूर रखा जिससे किसी मुसलमान को किसी मुसलमान की वजह से तकलीफ़ हो इसलिए फरमाया फरमायान तीन लानत वाली चीज़ों से बच जाइए अलबाज व الطريق والظل किसी मुसलमान के लिए लायक नहीं है कि वो साय में जहाँ कोई मुसलमान आके आराम कर सकता है किसी साय में एक जहाँ मुसलमान पानी लेने के लिए तशरीफ़ लाते हैं किसी घाट पर या किसी रास्ते में कज़ाए हाजत न करे जो ऐसा काम करता है मून है वो लाइनत का मुस्तह होगा इससे मुसलमानों को कोफ्त और तकलीफ़ होगी अल्लाह सुबहाना हमें शरीयत के इन रोशन पहलुओं को समझने की तौफीक अता फ़रमाए रसूल सल्हु वसल्लम ने तो फरमाया मुसलिमिन तुर जो मुसलमानों के रास्तों में उनको तकलीफ़ देता है जो मुसलमानों को उनके रास्तों में तकलीफ़ देता है वजब अल ही उस पर तो मुसलमानों की लानत वाजिब होगी है रसूल सल्ला वसल्लम पे पुरान मजीद जो नाजिल हुआ है वो इस बात की गवाही देता है कि जो जुल्म करने वाले हैं उन पर भी लानत है मालिकुल मुल्क फरमाते हैं ला खबरदार ालिमों पर अल्लाह की लानत है और फरमाया झूठों पर भी अल्लाह की लानत है और फरमाया झूठ बोलने वालों पर भी अल्लाह की लानत है तूक जो झूठ बोलने वाले हैं उन पर भी अल्लाह की लानत है अलैहि सल्हु वसल्लम ने उम्मत को रहम का दर्श दिया रहम दिली का दर्श दिया नरमी का दर्श दिया फरमाया ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه نرمي جس چیز میں ا جائے وہ چیز خوبصورت بن جاتی ہے اور اس چیز سے نرمی کو کھینچ لیا جائے بدنما بن جاتی ہے لعن الله لعن الله من مثل بالحيوان جو شخص किसी हैवान के साथ भी मसला करता है कान काटना नाक काटना घंटों को काटना ये मसला है फरमाया जो किसी हैवान के साथ भी मसला करता है मलरून है चे जाए कि अशरफुलमखलूक इंसान के साथ कोई इस पहलू को इख्तियार करे रसूल वाल वसल्लम ने तो फरमाया

मां की तरफ से भाई है अगरचे उसकी तरफ भी कोई लोहे के साथ इशारा करे उस पर भी लानत है दुनिया सारी की सारी मल है माफी है और उसमें जो कुछ है वो भी मलून है इल्ला दिकर अवैल एक सीखने वाला एक अल्लाह का जिकर और उसके मतलब ये मून नहीं ये अल्लाह की रहमत के मुस्तक है जिक्र करने वाला इलम सीखने वाला सिखाने वाला और अल्लाह का तकर अल्लाह का तकर हासिल करने वाला ये अल्लाह की रहमत के करीब है इसलिए ऐसे लोगों को अल्लाह मालिकुल मुल्क नवीद सुनाते हैं इन इनमत अल्लाह अल्ला की रहमत एहसान करने वालों के करीब है जो अपने आप पे एहसान करता है अपने आप को अल्लाह के सामने गिरा लेता है अल्लाह का तकरब हासिल करने के लिए अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देता है मेरी अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुल्क, हम सब को लानत से महफूज़ फरमाए और ऐसे अमाल अच्छा से बचाए जिससे इंसान लानत का मुस्तहिक बनता है और अल्लाह मुल्क हमें ऐसे क़ल अमल की तौफीक कता फ़रमाए जिसकी वजह से हम पे अल्लाह की रहमत की बरखा बरसे और हम अल्लाह का तकरब हासिल करने वाले हों और क़्यामत के दिन मुल्क अपने प्यारे हबीब के रिफाकत नसीब फरमाए فاستغفروه वरअीमजी هو الغفور الرحيم